हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रयागराज ज़िला के बारे में, जिसे हम इलाहाबाद ज़िला के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, प्रयागराज ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक प्रयागराज जिला के नाम से जाना जाता है। यह ज़िला उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है। प्रयागराज ज़िला का हेडक्वार्टर ऑफिस प्रयागराज शहर में मौजूद है, और प्रयागराज ज़िला होने के साथ साथ एक मंडल भी है, और प्रयागराज मंडल के ही अंतर्गत आता है। प्रयागराज ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम मिर्ज़ापुर ज़िला, जौनपुर ज़िला, प्रतापगढ़ ज़िला और कौशाम्बी ज़िला है। प्रयागराज ज़िला में 8 तहसील, 20 ब्लॉक, 1 नगर पालिका, 1 मुख्य अस्पताल, 10 नगर निगम, 39 पुलिस स्टेशन और 3178 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो प्रयागराज ज़िले का कुल क्षेत्रफल 5482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रयागराज ज़िला की कुल आबादी 59,54,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 31,32,000 और महिला की कुल आबादी 28,23,000 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 901 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुष पर 901 महिला हैं। प्रयागराज, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रयागराज में तीनों नदियाँ यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, और प्रयागराज ज़िला की मुख्य नदी गंगा, यमुना, सरस्वती है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 27 और नेशनल हाईवे संख्या 2 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के और भी बड़े बड़े शहरों से जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इलाहाबाद में कई ऐसे कोर्स, बड़े बड़े तैयारियों करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से, बिहार के कई ज़िलों से और आसपास के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उन ज़िलों से बच्चे आकर इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 75% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 75% लोग पढ़े लिखे हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज, ईश्वर सदन डिग्री कॉलेज, काली प्रसाद ट्रेनिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट जोसेफ कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रयागराज ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 10 प्लेटफॉर्म तथा 16 पटरी शामिल है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1859 में हुई थी, बाद में 1963 से 1966 के बीच इस रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफाई किया गया था। इस जंक्शन का स्टेशन कोड PRYJ है, और यह रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली लाइन, हावड़ा गया लाइन और प्रयागराज जबलपुर लाइन पर स्थित है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इलाहाबाद ज़िला यानी कि प्रयागराज ज़िला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस ज़िले के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल में शुमार त्रिवेणी संगम, कुंभ मेला, खुसरो बाग, आनंद भवन, इलाहाबाद म्यूजियम, अशोका पिलर
आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, इलाहाबाद ज़िला यानी कि प्रयागराज ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।